सरकार का विरोध कर रही है, सरकार से आर पार की लड़ाई करने के वोट देते हैं। क्या सरकार SSC वोटों से बनती है? क्या जनरल वोटों का इम्पोर्टेंस नहीं है? बाकी समुदाय का कोई कर्तव्य नहीं है? सरकार को वोट देंगे, सवर्ण समाज को गोली मार दो, निकाल दो देश से बाहर, ये गलत कर रहे हैं। ये क्या जनरल वाले आदमी नहीं है? ऐसे गरीब आदमी नहीं है क्या? और सीनियर ऑफिसर सीनियर क्यों नहीं पता? हम एक्ट के खिलाफ नहीं है। जाति किसी को आरक्षण दिया जाए, आर्थिक आधार पर बेचारा एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, एक गरीब एक दान अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जाति के आधार का विरोध क्यों होता है? मायावती मायावती क्या पास हो जाती लालू जो IAS जो 40% अरे जो 40% पास करेंगे जो नेता होगा उसके बारे में बोला तो जाएगा ना? आप हैं कोई दलित के नेता, मायावती दलित की नेता तो बोला जाएगा, उसके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? नेता भी सब अमीर है, विजय माल्या पर क्या चोर है? वो मोदी के राज में पैसा लेकर भाग रहे हैं, वो चौकीदार है। उसने बोला हमारे घर थोड़ा पैसा लिया है विजय माल्या, मोदी के घर ले गया होगा पैसा। बताइए जाति के आधार पर जो हिंसा होती है उस पर क्या कहेंगे आप? जाति के आधार पर हिंसा करवाना इस सरकार का काम है, जातियों से जातियों को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। भैया जब तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तो मारूंगा, फिर तुम पिट जाओगे, तुम केस दर्ज कर यार, जब मैं तुम पिट जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या करोगे? केस दर्ज कराएंगे अभी भी दुनिया में पहला अगर आप गलती करोगे तो पहला आप हमें भिड़ेंगे। सहारनपुर जो जैसे मोच उखाड़ लेना, दलित मोच रखे हुए हैं, यार क्या बात है? जब हम ऊना के रहने वाले हैं ही नहीं, हम दिल्ली के रहने वाले, तो देखते होंगे ना देश भर में, तो हमने क्या होता है दिल्ली के लिए नहीं बना ना, देश भर के लिए बनाया। क्यों एक्ट बनाया गया है दिल्ली में बचाने के लिए नहीं बनाए? ये कानून जो बनाया गया है वो केवल स्वर्णों को दुरुपयोग करने के लिए और स्वर्णों का वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, आप पूरी नाराजगी है इससे, पूरी नाराजगी। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, गरीब कोई भी हो। आप आरक्षण देते हो SC ST को आरक्षण देते हो, 40% पे डॉक्टर बना देते हो, तो हम पूजा पाठ में आरक्षण है भाई, ब्राह्मण ही मंदिर का पुजारी, पूजा पाठ सब करते हैं, सभी धर्मों के करते हैं, सबके अपने अपने घर, पुजारी कोई भी हो सकता है, आरती पूजा करते हो सकता है, कौन होगा ब्राह्मण होगा भाई? चले यहाँ से हारो, ब्राह्मण मीटिंग है ये, ब्राह्मण मीटिंग मारो। अरे भैया तो पूजा मीटिंग है, आरक्षण तो वो भी है, क्या आरक्षण? क्यों मैं कहाँ आरक्षण है? आप जहाँ चाहे वहाँ पूजा करें, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पूजा करूँ, आरक्षण का मतलब क्या है पूजा में? पुजारी तो ब्राह्मण ही हो सकता है ना? नहीं कोई भी हो सकता है, इसको जिस धर्म को मानने वाला होगा उसी को। सालों साल जो शोषण हुआ है जाति के आधार पे, उसको पढ़ने नहीं दिया गया, व्यापार नहीं कर दिया, उसकी भरपाई कैसे होगी? सालों साल कभी कोई शोषण नहीं किया गया, शोषण उन्हीं लोगों का किया जाता है जो खुद शोषण करते हैं। दलित के पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, वो कचरा साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, आपको शोषण नहीं लगता? नहीं, दलित कहीं नहीं करता, इस आधार पे नौकरी नहीं दी जाती क्या? ये दलित है, ये वाल्मीकि है, इस आधार पे नौकरी नहीं दी जाती, इस आधार पे योग नौकरी दी जाती है जो जिस योग होता है। तो उसको योग्यता स्कूल जाने से तो रोका गया? किसने रोका? पहले रोका गया, किसने रोका इस देश में आज तक बता दे के कहाँ रोका है? अच्छा मनुस्मृति में तो वर्णन है ना भाई, मनुस्मृति को कोई मान नहीं रहा, मनुस्मृति का हम भारतीय संविधान में रहते हैं, भारत के लोकतंत्र में रहते हैं, भारत का संविधान। नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण खत्म करो, उनको पढ़ाई लिखाई में खूब दो, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं देते हैं। जो समाज के लोग हैं इसको आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आप कोई साड़ी देखिए, कोई मन देखिए, उसकी मार में आपको सब जाति के लोग मिलेंगे। वर्ण व्यवस्था आपने आपने बिगाड़ी, हमने नहीं बिगाड़ी, हमने मुझे लग रहा होने जिस तरीके का व्यवहार यहाँ कर रहे हो आप, पत्रकार नहीं हो। ये देखिए आप पत्रकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल सुनना जो है वो किसी को पसंद नहीं है,
सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। उस दिन पहले इसी जगह संविधान जलाने को लेकर भी विवाद हुआ था। आपका क्या सवाल है? सवाल करो मुझसे। आप कौन हो? आप मीडिया कौन सी हो? आप मीडिया कौन से हैं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।